हम लोग को एक चीज सबसे अच्छा यही लगा कि गार्जियन ने कभी इतना पैसा ही नहीं दिया कि अपनी भी जरूरत पूरी हो सके, तो क्या दूसरे का जरूरत पूरा करेगा। कृष्ण भगवान तब तक ही वैल्यू दिए थे जब तक वो मथुरा में थे, जैसे वो द्वारिका गए तब साइड हरी साबुन सस्ता आता था, बचपन में वही मिलता था, नहा लेना बबुआ, इसे आदत हो गया उसी से। अभी लाइव ऑयल लगाते हैं तो दहिया कहता है कौन सी लगा रहा है। सफलता इतना समय ले लेती है, इतना आपसे वर्क खोज लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे चीज। ये इंसान की मेंटेलिटी होती है, आप जहां ज्यादा जहां भी ज्यादा रहेंगे, जहां समय देंगे वहां लगाव हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये डिपेंड करता है कितना समय दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें नया पुरान मतलब नहीं है, मतलब होता है कितना समय दिए हैं आप। समझ में आ गया कि नहीं? इस चीज को समझो, तुम लोग दूसरा समझ रहा है, लड़कियों दूसरे समझ रही है, कम होती है तो क्या। इस मैटर में दोनों बराबर है, कोई अकेले थोड़े बिगड़ रहा है। अरे डूब रहा है तो कोनो ना कोनो को तो ले ही के डूब रहा है। तो समझो, आप देखिए, जैसे ध्यान से सुन, फिर हल्ला नहीं करो, इस चीज को समझो। कई लड़के को देखते हैं कि सुसाइड कर लेता, अरे यार उससे ज्यादा समय दे दो। कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। चल इधर ध्यान दीदा। गदा तुम लोग, ये अभी उम्र की गलती है आप लोग। एक सर्टेन एज लिमिट के बाद आपको ये सब चीजें फालतू लगने लगती है। जिस दिन आपके सामने आपका करियर होगा ना, उस दिन ये सब चीजें आपको मतलब अजीब सा, मतलब क्या है यार, हटाओ ये सब चीज। जैसे अभी सब आप उस एज में है ना कि समझाने पे कोई को असर नहीं पड़ेगा। हम लोग भी उस एज में थे, हम लोग के भी गुरुजी समझाते थे तो असर नहीं करता था। समझा गया? लेकिन एक चीज था, हम लोग को एक चीज सबसे अच्छा यही लगा कि गार्जियन ने कभी इतना पैसा ही नहीं दिया कि अपनी भी जरूरत पूरी हो सके, तो क्या दूसरे का जरूरत पूरा करेगा तुम। यहाँ तो ये सबसे अच्छा हम लोग के लिए हो गया यहाँ पे, समझ में। तो अभी क्या आपको अगर कोई दो का पहाड़ा पढ़ा है, 2 1 2 2 2 4 2 2 6 अच्छा लगेगा, लेकिन एक वक्त होगा जब आप इसके लिए पिटाए होंगे, बड़े शिद्दत से इसको पढ़ाई किया होगा आदमी, 2 1 2 2 2 4 बाप रे। बड़ी बेटा अब मास्टर सब 2 का नहीं पूछता, 9 का पूछता था, 13 का, 7 का। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं,
बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं, खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली है उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं और हंसता खेलता रहता हूं। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं।